कहानी की शुरुआत हम रियो के जंगलों को देखते हैं, जहाँ पर तरह तरह के बर्ड्स होते हैं। यहाँ पर हम ब्लू कलर के एक पैरट को देखते हैं, जो दूसरे पंछियों को देख करके उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर कुछ शिकारी आ जाते हैं और वो ब्लू को पकड़ लेते हैं, साथ ही रियो के सारे पंछियों को पकड़ लेते हैं और एक प्लेन से दूसरे देश भिजवा देते हैं। अब पंछियों को ट्रक से ले जा रहे होते हैं, तभी ट्रक बर्फ में फिसल जाता है, जिससे कि एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, लेकिन ड्राइवर को इसकी खबर नहीं होती और उस बॉक्स में ब्लू होता है। ब्लू बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। तब ब्लू के पास में एक छोटी सी बच्ची आती है, जिसका नाम लिंडा होता है। वो ब्लू को उठा लेती है। लिंडा ब्लू के कलर को देख करके उसका नाम ब्लू रख देती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और लिंडा और ब्लू बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। लिंडा ने ब्लू के साथ में बहुत सारे वर्ल्ड कंपटीशन भी जीते होते हैं, जिससे कि ब्लू बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गया होता है। अब ब्लू और लिंडा काफ़ी बड़े हो गए होते हैं। लिंडा ब्लू का बहुत ख्याल रखती है और ब्लू भी लिंडा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। लिंडा की एक बुक शॉप होती है और ब्लू हमेशा ही लिंडा की मदद करता है। ब्लू को इंसानों की तरह रहना अच्छा लगता है, वो दूसरे पंछियों की तरह उड़ना भी नहीं जानता है। अब ब्लू अपने फेवरेट चॉकलेट को खा रहा होता है, तभी बाहर बैठे पंछी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम सर्दियों में कहाँ जा रहे हो? जिस पर ब्लू कहता है कि उसे गर्म एसी में रहना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो कहीं नहीं जा रहा। तभी स्टोर में डुलियो नाम का एक आदमी आता है। वो ब्लू को देख करके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो ब्लू को ढूंढते हुए यहाँ पर आया होता है। तभी डुलियो लिंडा को बताता है कि मैं एक बर्ड स्पेशलिस्ट हूँ और ब्लू अपनी जाति का आखिरी ब्लू पैरेट है, और हमें हाल ही में एक फीमेल ब्लू पैरेट मिली है जिसका नाम नायरा है। वो बताता है कि हमें ब्लू और नायरा को मिलवाना चाहिए, जिससे कि इन ब्लू पैरेट्स की नई पीढ़ी बन सके। जिस पर लिंडा कहती है, ये तो अच्छी बात है, तो तुम यहाँ पर नायरा को लेकर आ जाओ, लेकिन डुलियो इसके लिए मना कर देता है। वो ब्लू को अपने साथ रियो ले जाना चाहता है, लेकिन लिंडा इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो ब्लू को अपने से अलग नहीं कर सकती। लिंडा गुस्से में डुलियो को जाने को कह देती है। डुलियो जाने से पहले अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ पर छोड़ जाता है। अब लिंडा ब्लू को उड़ने की प्रैक्टिस कराती है, लेकिन वो अब भी नहीं उड़ पा रहा होता है। अब लिंडा को एहसास होता है कि ब्लू का भी अपना परिवार होना चाहिए, जिससे कि उसकी जाति को बचाया जा सके। वो ब्लू को लेकर के रियो के लिए निकल जाती है और कुछ घंटों बाद में वो रियो में पहुंच जाती है। वहां पर लिंडा को लेने के लिए डुलियो आता है। अब लिंडा रियो में बहुत ज़्यादा भीड़ को देखती है, तब डुलियो बताता है कि कल रियो का सबसे फेमस कार्निवल है, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ है। वहीं ब्लू के पास में दो बर्ड आते हैं, जिनका नाम बग और सैंडी होता है। वो ब्लू से कहते हैं, लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो, जिस पर ब्लू बताता है कि वो यहाँ पर एक लड़की से मिलने आया है। जिस पर सैंडी कहता है, रियो की लड़कियों को पटाना बहुत मुश्किल है भाई, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इसके बाद में वो दोनों चले जाते हैं। अब डुलियो लिंडा के साथ में अपने रिसर्च लैब में आ जाता है, जहाँ पर तरह तरह के पंछियों का इलाज हो रहा होता है। वहाँ पर हम एक सफ़ेद पैरट को देखते हैं, जो काफ़ी बड़ा होता है। तभी वहाँ पर डुलियो का असिस्टेंट आता है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वो बताता है कि ये सब नायरा ने किया है। असिस्टेंट को देख करके ब्लू अब डरने लगता है कि कहीं नायरा उसकी हालत भी ऐसी ना कर दे। अब डुलियो ब्लू को तैयार करके नायरा के पिंजरे में भेज देता है और लिंडा के साथ में कैमरा में ये सब देख रहा होता है। ब्लू डरा हुआ होता है, तभी उसके सामने नायरा आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, लेकिन वो ब्लू को अनजान समझ करके अटैक कर देती है। तभी नायरा देखती है कि ब्लू भी उसी की तरह और उसी की जाति का, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। अब ब्लू नायरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नायरा उस पर ध्यान नहीं देती। अब वो ब्लू को एक जगह दिखाती है, जहाँ से वो बाहर निकल करके जाना चाहती है। अब डुलियो ब्लू और नायरा के लिए म्यूजिक बजा करके लिंडा के साथ वहाँ से चला जाता है। अब ब्लू नायरा से कहता है कि तुम्हारा पिंजरा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, फिर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? जिस पर नायरा कहती है, तुम एक पालतू पैरट हो, इसलिए तुम्हें पिंजरे में रहना ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे खुले आसमान में उड़ना पसंद है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी सफेद पैरट को देखते हैं, जो डुलियो और लिंडा के जाने के बाद रिसर्च लैब का दरवाजा खोल देता है और एक बच्चा अंदर आकर के ब्लू और नायरा को पकड़ ले जाता है। वहीं डुलियो और लिंडा डिनर कर रहे होते हैं, तभी डुलियो को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि रिसर्च लैब की सारी पंछियों को किसी ने चुरा लिया। ये सुनकर के लिंडा डुलियो पर बहुत गुस्सा करती है और डुलियो से कहती है, मैंने तुम्हारी वजह से अपने ब्लू को खो दिया है। वहीं वो बच्चा ब्लू और नायरा को लेकर के स्मगलर के पास लाकर बेच देता है और इसका नाम फर्नेंडो होता है। तभी नायरा ब्लू को मरने की एक्टिंग करने को कहती है और वो ऐसा ही करते हैं। अब स्मगलर नायरा और ब्लू को मरा हुआ समझता है, जिससे वो फर्नेंडो पर गुस्सा करता है। तभी नायरा स्मगलर को काट लेती है और वहाँ से उड़कर भागने लगती है, लेकिन ब्लू अकेला रह जाता है। तभी वहाँ पर व्हाइट पैरट आ जाता है, वो नायरा को पकड़ करके फिर से पिंजरे में डाल देता है और इसका नाम नाइजल होता है। इसके बाद में स्मगलर ब्लू और नायरा को एक साथ एक चैन से बांध
काम देता है और दूसरे पंछियों के साथ रखवा देता है। फर्नांडो को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन उसे पैसों के लिए ये सब करना पड़ता है क्योंकि वो अनाथ होता है। अब स्मगलर अपने चमचों को सभी पंछियों को कार्निवल ट्रक में लोड करने को कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में नाइजल ब्लू और नायरा को परेशान करता है। वो उनसे कहता है कि मैं भी एक सुंदर पैरट था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद में बदसूरत हो गया। तब से किसी ने मुझे नहीं अपनाया, इसलिए मैं तुम सबको भी बदसूरत बना दूंगा। और ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में ब्लू और नायरा पिंजरे को किसी तरह से खोल लेते हैं। तभी वहाँ पर स्मगलर के चमचे आ जाते हैं, लेकिन नायरा ब्लू को लेकर के उड़ने लगती है और खिड़की से बाहर आ जाती है, लेकिन ब्लू अब भी नहीं उड़ पा रहा होता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद में ब्लू नायरा को लेकर के भागने लगता है और उनके पीछे स्मगलर के चमचे लगे होते हैं। नाइजल भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक खंभे से टकरा जाता है। अब ब्लू और नायरा किसी तरह से बच करके जंगल में पहुंच जाते हैं। ब्लू बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि वो पहले कभी पिंजरे से बाहर नहीं आया होता। अब नायरा ब्लू से कहती है कि तुम कैसे पंछी हो जिसे जंगलों से डर लगता है, साथ ही तुम्हें उड़ना भी नहीं आता। अब दोनों एक जगह पर जा करके सो जाते हैं। वहीं स्मगलर अपने चमचों पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उन्हें कल सुबह पंछियों को एयरपोर्ट ले जाना होता है, लेकिन उनके पास ब्लू पैरट्स नहीं होते। स्मगलर नाइजल को ब्लू और नायरा को लाने भेज देता है। अगली सुबह लिंडा और डूलियो ब्लू और नायरा को ढूंढने के लिए उनके पोस्टर्स लगा रहे होते हैं। तभी फर्नांडो पोस्टर्स को देख लेता है। वो लिंडा के पास आकर बताता है कि वो जानता है कि ब्लू और नायरा कहाँ पर है। फर्नांडो लिंडा को अपने साथ चलने को कहता है। लिंडा उस पर भरोसा करके उसके साथ में जाने लगती है। डूलियो भी उसके साथ में जाता है। दूसरी तरफ हम नाइजल को देखते हैं जो कि बंदरों के सरदार से मदद मांगने गया होता है कि वो ब्लू को ढूंढने में उसकी मदद करे। सरदार इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो नाइजल से डरता है। वहीं ब्लू और नायरा पत्थर से चैन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां पर राफेल नाम का एक पंछी आ जाता है। वो उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन राफेल ब्लू और नायरा को कपल समझ रहा होता है। ब्लू और नायरा कहते हैं कि वो सिर्फ दोस्त हैं। अब राफेल दोनों को लेकर के लुइस के पास जाने लगता है जो कि एक मैकेनिक होता है, लेकिन ब्लू को उड़ना नहीं आता। इसलिए राफेल ब्लू को मोटिवेट करता है कि तुम एक पंछी हो और तुमसे अच्छा कोई नहीं उड़ सकता है। इससे ब्लू में हिम्मत आती है और वो नायरा के साथ उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू डर जाता है, जिससे कि ब्लू और नायरा एक ग्लाइडिंग पर जाकर के गिरते हैं। अब ब्लू ऊपर से दुनिया को देख करके बहुत ही खुश होता है और अपने पंख को फैला देता है, जिससे कि हवा दोनों को उड़ा करके ले जाती है और दोनों एक बीच पर जाकर के गिरते हैं। अब राफेल उनसे कहता है कि हमने आधा सफर तय कर लिया है। अब राफेल ब्लू और नायरा को लेकर एक ट्रक में चढ़ जाता है। वहाँ पर लिंडा और डूलियो भी होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। अब ट्रक उन्हें एक मार्केट में उतार देता है जहाँ पर ब्लू फिर से सैंडी और बग से मिलता है। वो ब्लू के साथ नायरा को देखकर समझ जाते हैं कि ब्लू इसी से मिलने आया था। वो दोनों ब्लू के लिए बहुत खुश होते हैं। इसके बाद में राफेल सैंडी से पूछता है कि लुइस कहाँ पर है, जिस पर सैंडी बताता है कि वो अपनी शॉप के लिए चला गया है। इसके बाद में सैंडी और बग ब्लू और नायरा को लेकर के एक बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर ब्लू और नायरा डांस करते हैं। अब नायरा ब्लू को पसंद करने लगी होती है। वहीं फर्नांडो लिंडा और डूलियो को लेकर के स्मगलर के अड्डे पर आ जाता है, जहाँ पर एक भी पंछी नहीं होता है। तभी वहाँ पर स्मगलर के चमचे आ जाते हैं, जिन्हें देख करके डूलियो और लिंडा छुप जाते हैं। अब फर्नांडो उनसे पूछता है कि सारे पंछी कहाँ गए। वो बताते हैं कि हमने पंछियों को कार्निवल ट्रक में लोड कर दिया है और हम उन्हें फेस्टिवल से होते हुए एयरपोर्ट ले जाएंगे। इसके बाद में वो फर्नांडो को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब लिंडा डूलियो को लेकर के फेस्टिवल की तरफ जाने लगती है। वहीं वर्ल्ड पार्टी में वो बंदर आ जाते हैं और ब्लू और नायरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी पंछी ब्लू और नायरा को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। अब पंछी बंदरों को हरा देते हैं। इसके बाद में राफेल ब्लू और नायरा को लुइस के पास ले जाने लगता है। बग और सैंडी भी उनके साथ जाते हैं। अब नाइजल बंदरों के सरदार के पास आता है। वो समझ जाता है कि वो उसका काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अकेला ही ब्लू और नायरा को ढूंढने चला जाता है। वहीं राफेल ब्लू और नायरा को लेकर के लुइस के पास पहुंच जाता है, जो कि एक डॉग होता है। लुइस ब्लू और नायरा की चैन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू कटर से डर जाता है और भागने लगता है, जिससे कि लुइस बाल बाल मरने से बचता है। और लुइस के मुंह में चैन फंस जाती है और उसकी लार से चैन ढीली हो जाती है, जिससे कि ब्लू और नायरा आजाद हो जाते हैं। नायरा आजाद होते ही हवा में उड़ने लगती है और ब्लू नायरा को हवा में उड़ता देख उदास हो जाता है। तभी नायरा उसके पास आती है। वो ब्लू से कहती है, तुम्हें उड़ना नहीं आता तो मैं क्या कर सकती हूँ। इससे ब्लू को अच्छा नहीं लगता, जिससे कि ब्लू और नायरा में बहस हो जाती है और नायरा गुस्से में वहाँ से उड़कर चली जाती है और वो रो रही होती है। तभी सैंडी और बग उसे मनाने के लिए जाते हैं। राफेल ब्लू को मनाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ नायरा को नाइजल पकड़ लेता है। नायरा उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाइजल उसे अपने पंजों में दबा लेता है। वो सैंडी और बग से कहता है कि मैं नायरा को लेकर के कार्निवल में जा रहा हूँ। अब सैंडी और बग ब्लू के पास आकर के सारी बात बताते हैं। इसके बाद में ब्लू लुइस के ऊपर बैठ करके कार्निवल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं लिंडा और डूलियो कार्निवल में वेश बदल करके घुस जाते हैं।
अब ब्लू लुइस और राफेल के साथ में नायरा को ढूंढ रहा होता है। तभी ब्लू लिंडा को देख लेता है, लिंडा भी उसे देख लेती है, लेकिन ब्लू लिंडा के पास नहीं जाता है, वो नायरा को बचाने के लिए जाता है, लिंडा भी उसके पीछे पीछे जाती है। वहीं नाइजल ने नायरा को पिंजरे में बंद कर रखा होता है, तभी वहां पर ब्लू आ जाता है, लेकिन नाइजल पीछे से ब्लू को धक्का देकर के पिंजरे में बंद कर देता है। अब शिकारी ट्रक को एयरपोर्ट ले जाने लगते हैं, तब फर्नांडो लिंडा और डोलियो के लिए क्लू छोड़ता हुआ जाता है। अब लिंडा और डोलियो कार्निवल ट्रक को लेकर के उनके पीछे पीछे जाते हैं। वहीं शिकारी सब पंछियों को प्लेन में लोड कर लेते हैं। तभी फर्नांडो ब्लू को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। तभी फर्नांडो स्मगलर को धक्का देकर के वहां से भाग जाता है। अब लिंडा ट्रक को लेकर के आ जाती है, लेकिन तब तक प्लेन टेक ऑफ हो चुका होता है। वहीं प्लेन में ब्लू एक ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से अपने पिंजरे से आजाद हो जाता है और वो बाकी पंछियों को भी छुड़ा देता है। तभी स्मगलर उन्हें देख लेते हैं, लेकिन पंछी पिंजरों से दरवाजा बंद कर देते हैं। अब सब पंछी प्लेन से उड़ करके चले जाते हैं, लेकिन ब्लू अब भी डर रहा होता है, लेकिन इस बार नायरा उसे छोड़ करके नहीं जाती है। तभी वहां पर नाइजल आ जाता है, वो नायरा पर एक पिंजरा गिरा देता है जिससे कि वो घायल हो जाती है, साथ ही वो ब्लू को भी पकड़ लेता है। तभी ब्लू ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप से नाइजल पर अटैक करता है, जिससे कि नाइजल हवा में उड़ जाता है और वो प्लेन की चपेट में आकर के नीचे गिर जाता है। नाइजल के पंखों से प्लेन का इंजन खराब हो जाता है, जिसके बाद में स्मगलर अपने चमचों के साथ में नीचे कूद जाता है। अब नायरा भी नीचे गिर जाती है, लेकिन वो घायल होती है इसलिए वो उड़ नहीं पाती। अब ब्लू नायरा को बचाने के लिए पूरी हिम्मत से हवा में कूदता है और वो नायरा को पकड़ लेता है। अब दोनों पानी में गिरने ही वाले होते हैं, तभी ब्लू अपने पंखों को खोल करके उड़ने लगता है। ये देख करके नायरा बहुत खुश होती है। इसके बाद में ब्लू नायरा को लेकर के लिंडा के पास आ जाता है, जिससे कि अब सब खुश होते हैं। इसके बाद में लिंडा डोलियो के साथ में रिसर्च लैब में काम करना शुरू कर देती है, साथ ही ब्लू और नायरा भी बहुत खुश होते हैं। अब लास्ट सीन में हम नाइजल को देखते हैं जो कि जिंदा होता है, लेकिन उसके पंख उड़ गए होते हैं। और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।